भारत के महत्वाकांक्षी मिशन मून मिशन के तहत चंद्रयान 3 चांद की पांचवी और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया है। अब लैंडर विक्रम के अलग होने का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। इसरो की तरफ से बताया गया था कि लैंडर 17 अगस्त की सुबह अलग होगा, जिसके बाद अब प्रणोदन मॉड्यूल यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग होने के लिए तैयार हैं। यानी अब चांद पर भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग बस कुछ ही दिनों में हो जाएगी। अब आगे के प्रोसेस की बात करते हैं तो अलग होने के बाद लैंडर विक्रम को 30 किलोमीटर के निकटतम बिंदु यानी पोरिलेशन और 100 किलोमीटर के सबसे दूर बिंदु यानी ओप्यूलेशन वाली कक्षा में स्थापित करने के लिए डी बूस्ट यानी धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस कक्षा में पहुंचने के बाद 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी। इसरो साइंटिस्ट का मानना है कि इस बार लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड हो जाएगा। इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, जिन्होंने लैंडिंग को लेकर एक बहुत ज्यादा बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है लैंडिंग का सबसे जरूरी हिस्सा लैंडर के वेग को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतिम लैंडिंग तक लाने की प्रक्रिया है और व्हीकल को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल डायरेक्शन में पहुंचाने की क्षमता वो प्रक्रिया है जहां हमें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। इस पूरी प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया है। इन सभी चरणों में आवश्यक प्रक्रिया को नियंत्रित करने और उचित लैंडिंग करने की कोशिश के लिए कई एल्गोरिदम्स लगाए गए हैं। अगर 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो यह भारत की बड़ी कामयाबी होगी। आज इसरो दोपहर में करीब 1 बजे प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल को अलग करने का ऑपरेशन पूरा करेगा, लेकिन इसके बाद विक्रम लैंडर और गोलाकार ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, वो फिर से अंडाकार ऑर्बिट में ही घूमेगा। इसके बाद 18 और 20 अगस्त को होने वाली डी ऑर्बिटिंग के जरिए विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाले पेरिल्यू और 100 किलोमीटर वाले एप्यूलून ऑर्बिट में डाला जाएगा। अब जरा ये भी जान लीजिए प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल क्या हैं, क्योंकि इन दिनों आप इन दोनों ही शब्दों का नाम सबसे ज्यादा सुनते होंगे। चंद्रयान 3 में एक प्रोपल्शन या प्रणोदक मॉड्यूल है। इसका वजन है 2148 किलोग्राम। इसका मुख्य काम है लैंडर को चंद्रमा के करीब ले जाना। अब चूंकि यह चंद्रमा की कक्षा में एंटर करने वाला है तो इसे लैंडर से अब अलग किया जाएगा। वहीं लैंडर का जो वजन है वो है 1723.89 किलोमीटर। इसमें एक रोवर शामिल है। रोवर का जो वजन है वह है 26 किलोग्राम। भारत के तीसरे चंद्र मिशन का मुख्य उद्देश्य लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारना है। इससे पहले लैंडर को डी बूस्ट यानी धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरना होगा ताकि इसे एक ऐसी कक्षा में स्थापित किया जा सके जहां पेरिल्यून यानी चंद्रमा से निकटतम बिंदु 30 किलोमीटर और अप्यूलिन यानी चंद्रमा से सबसे दूर का बिंदु 100 किलोमीटर है। चंद्रयान 2 मिशन में लैंडर पर नियंत्रण खो देने की वजह से ही उसकी सॉफ्ट लैंडिंग की जगह क्रैश लैंडिंग हो गई थी। इसके बाद लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो ये चीज रिपीट ना हो इसके लिए तमाम एल्गोरिदम्स लगा दिए गए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।